वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस के बेसिस पे हम कैलकुलेट स्टडी करेंगे कि जो आपका मोशन है वो कितने टाइप का है। फर्स्ट है वन डायमेंशनल मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, वन डायमेंशनल मोशन। सेकेंड है टू डायमेंशनल मोशन और थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। फर्स्ट देखते हैं बेटा जो वन डायमेंशनल मोशन है। वन डायमेंशनल मोशन इसके नाम से पता चल रहा है, वन डी, इसको हम वन डी मोशन भी बोल सकते हैं। वन डी मोशन यानी कि किसी पर्टिकुलर एक एक्सिस में, किसी पर्टिकुलर वन एक्सिस में, यानी कि एक्स एक्सिस हो सकता है या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस में अगर मोशन है तो मोशन क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। किसी पर्टिकुलर वन एक्सिस के अराउंड जो मोशन है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा बेटा, किसी पर्टिकुलर एक ही एक्सिस के अलावा मोशन हो तो वो वन एक्सिस पे होगा तो वो मोशन कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन। हम हाइट से किसी भी पार्टिकल को नीचे की ओर गिराते हैं तो ये भी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में है, तो पर्टिकुलर एक ही एक्सिस है तो ये भी वन डी मोशन है। यानी कि किसी एक एक्सिस में अगर मोशन है तो मोशन क्या होगा, हर वन डायमेंशनल मोशन। फिर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। नाम से ही पता चल रहा है टू डी मोशन, इसको टू डी मोशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें दो अक्षों के अराउंडिंग, टू एक्सिस के सराउंडिंग मोशन होगा या टू एक्सिस में मोशन होगा, या तो एक्स वाई में या फिर वाई जेड में या फिर जेड एक्स में मोशन होगा किसी प्लेन में, तो ऐसा जो मोशन है वो मोशन होगा टू डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा बेटा, कोई प्लेन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई प्लेन है, तो हम किसी पत्थर को यहां से थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आएगा किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ये हाइट भी लेगा और डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D है, यानी कि इसमें एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस मेजर होके आएगी और वाई एक्सिस में हाइट मेजर होके आएगी। और जो आपका सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर सर्कुलर पाथ में जो मोशन है, जैसे सर्कुलर पाथ है और सर्किल किस में होता है, 2D में होगा, सर्किल 2D में होता है एक्स और वाई एक्सिस में, तो एक्स और वाई एक्सिस में होगा तो ए पार्टिकल से अगर कोई पार्टिकल मोशन करता हो सराउंडिंग से घूम रहा है तो ये मोशन भी क्या होगा, टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? तो टू डायमेंशनल मोशन में किसी प्लेन में, प्लेन किसको बोलते हैं, दो अक्ष जो है आपके पास जो टू एक्सिस है उनसे मिलकर जो बनता है उसको प्लेन बोलते हैं। प्लेन या तो एक्स वाई होगा या फिर वाई जेड होगा या फिर जेड एक्स होगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन, ये मोशन कैसे होते हैं, 2D मोशन होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड आपके पास थ्री डायमेंशनल मोशन, इसको हम बोलते हैं 3D मोशन भी बोलते हैं। 3D मोशन में आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, जैसे किसी स्काई में कोई भी पार्टिकल से उनका मूविंग, बर्ड्स का मूविंग, ठीक है, ये सब क्या है, एरोप्लेन का जो मोशन है वो भी 3D मोशन है। 3D मोशन में तीनों अक्षों यानी कि एक्स वाई जेड जो थ्री एक्सिस है उनमें मोशन होगा और तीनों एक्सिस में जो मोशन है उस मोशन को बोलते हैं 3D मोशन। क्लियर है? तो इस तरह से जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो थ्री टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। एंड फर्स्ट इज डायमेंशनल मोशन, 1D 2D एंड 3D। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, कमेंट कर देना, बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।